अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज जो है वो हवा बहुत ठंडी चल रही है। बैठी दो अंडों पे, कुछ नहीं होता। अभी मैं खाना डालूंगा, फिर बाहर आ जाना। गाइस इधर की अपडेट ये है कि इधर दो ही अंडे हैं, इधर जो है तीन की बजाय चार हो गए। ये चक्कर है, चार अंडे हो चुके हैं यहाँ पे। हम जो है ना सबसे पहले अपने चूजों को खाना डाल दें। चलो चूजों का काम डन 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 डन। यार तुम अपने बच्चे को गरमाइश दो, दूसरे वाला भी फुड़क जाएगा। गाइस इस दफा तो ये खुद नहीं बैठ रही ट्रिक के अपने बच्चे के पास, जब देखो बाहर फिर रही होती है ये। पहले ये एक जो है वो सेंट्रल का बेबी बेचारा फोत हो गया था ठंड से, और अभी नहीं लगता दूसरे वाले ने भी फुड़क जाना। यही हालात रहे तो चलो हमारे बजीस का दाना भी डल गया है। आ गए बाहर हैं, अंडों को हाल लगा के देखते हैं गर्म है कि बैठ रही है कि साइड पे बैठ रही है। अंडे तो गर्म लग रहे हैं। अंडों की ना कैंडलिंग करके मैं देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि अंदर कुछ डेवलप भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। गाइस अंडों की कैंडलिंग की है मैंने, कुछ थोड़ा छोटा सा डेवलप हुआ ज़रूर नज़र आ रहा बीच में, लेकिन अगर तीन चार दिन बाद भी यही हालात रहे तो इसका मतलब हम समझेंगे कि फिर ये अंडे जो है ना इनफर्टाइल हैं। फिर इनको बाहर निकाल के फेंक देंगे हम, और इन ब्लैक लकों को हम दे देंगे आज़ादी। वो देखें फीमेल आई है दोबारा अंडों पे बैठने के लिए। देखें मेल और फीमेल अपने खुडे के पास ही फेंक देंगे। हो सकता है ये एडजस्ट हो जाए इस खुडे के साथ ही, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनेगा इनका। हाँ भाई ये कोई जगह अंडे देने की तुम्हारे हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल हैं? इधर उधर अंडे दे रहे हो, ऊपर बैठ कोई रहे नहीं। गाइस अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि बटेरों का अंडों का क्लच कितने अंडों का होता है तो लाजमी कमेंट करके मुझे भी बताइए, मुझे भी पता लगे कि जो है ना कितने अंडे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इतने अंडे आएंगे और उसके बाद ये बैठ जाएंगे अंडों के ऊपर। हमारी बर्ड एवेरिया का दाना तो हो गया यार, पानी भी डाल जाते हैं इन्हें। उधर हमारे चिकन कूप में ना जैन डला पड़ा है। जैन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सारे लड़ लड़ के ना उसने डिस्टर्ब कर दिया सारे जानवरों को। गिनी फाउल्स ने सारा दिन लड़ते हैं वो आजकल, तो पता नहीं क्या हो गया। और अब हमारे मुर्गे भी जो है ना आपस में उसके चक्कर में लड़ना स्टार्ट हो गए हैं। उस लड़ाई का हाल मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इसकी बदमाशी की वजह से वो बेचारा देखें उधर दुबक के अंदर बैठा हुआ है कि मैंने नहीं निकलना, अब जो मर्जी कर लो। खैर हम अपने चूजों के लिए पानी डालते हैं और इनको देते हैं पानी, और हम चलते हैं हमारे चिकन कूप में खाना डालने के लिए। और इसकी जान के उसके साथ पंगे लेने भी जा रहा है। चेक करें बदमाशी देखें इसकी, अगर इसकी बदमाशी ऐसे ही रही ना तो मैंने किसी एक का दे जो है ना केज में इसको जेल दे देनी है इसको। गाइस ये देखें मैं अंदर दाना डालने के लिए एंटर हुआ था, ये गिनी फाउल्स ने फिर हमारे डराया मुर्गियों को। दो तीन मुर्गियाँ बाहर निकल गई हैं, दो तो अंदर आ गई हैं खुद ही। अब ये ब्राह्मा को जो है ना अंदर करना मुश्किल हो जाना हमारे लिए, क्योंकि ये वो देख मंटी चाल अंदर चल, चलो ब्राह्मा। ये देख फुल ड्रामेबाजियाँ लग रही हैं। ब्राह्मा अंदर से खा लो, अंदर भी डाली मैंने फीड, उसको लग रहा है शायद अंदर मुझे मिलेगा ही नहीं। गाइस मैं कैमरा बंद करता हूँ और इसको पकड़ता हूँ। वो देखें गोल्डन बाफ भी कह रही मैं भी बाहर आऊँ, चलो तुम अंदर जाओ।
चलो जी काम मुक्के, चलो अंदर तो भाई फुल ऑन, आज लड़ाइयों वाला मोड ऑन है, लड़ी जा रहे हैं सारे, लड़ी जा रहे हैं। ब्लू और पिंगटन तुम तो साइड पे हो जाओ, तुम तो ना ऐसी हरकतें करो, तुम मेरी फेवरेट मुर्गी हो, अगर तुमने भी ऐसी हरकतें करनी है कुट खाने वाली। ये ब्लू और पिंगटन जो है वो हमारे वाइट सिल्की मुर्गे के साथ लड़ी है, ब्राह्मा जो है ये देखें गाइस, यार तुम लोगों के लिए लाया हूँ, तुम लोगों को ही डालना है, मैंने कौन सा खुद खाने दाने। अच्छा वैसे जितनी मर्जी भी ये बदमाशी दिखा रहे हैं गिनी फाउल्स, ये सारे मेरे से डरते हैं। अच्छा कोई अंडा नहीं आया, हमारे भी तक 5 नकली अंडे ही पड़े हैं। हाँ भाई तुमने नई बदमाशियाँ स्टार्ट कर ली हैं, बंटी से कुट खानी तुम्हें कम हुई है ना, तो इसने भी बदमाशियाँ स्टार्ट कर ली, उसने कहा मैं भी जयकान सीख रही हूँ। अब चलते हैं हमारे जो चूजे चू चू कर रहे हैं ना उनके लिए जो है ना हम दाना पकड़ते हैं और डालते हैं। वो देखें शिरादी के जो बच्चे हैं वो सारे आए हुए बाप से खाना खाने के लिए बाहर। अच्छा ये ब्लैक लखन को पता नहीं क्या सीन है, ये अंदर जाते भी नहीं है खुड्डे के अंदर अपने, और कोई किसी को पास आने भी नहीं देते। लेकिन अच्छा चलो बैठ जाओ, तुम्हें बहुत मार पड़ी है आजकल, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इनको ऐसे ऊपर से ही खाना डाल देते हैं बबली एंड कंपनी को। बबली एंड कंपनी के चूजे अब दौड़े दौड़े आते हैं, काफी ट्रेन हो चुके हैं। सिल्की एंड कंपनी के चूजे भी माशाल्लाह एक्टिव लग रहे हैं सारे, वो यहाँ पे फेक सही आ रहा है, 100 वाट का बल्ब जो है ना चलाया हुआ इनके लिए। चलो जी दाना पानी कंप्लीट हो गया हमारा, पानी देख लेते हैं। हाँ जी इतना अभी पड़ा हुआ है तो ये आज का दिन इनका निकल जाएगा, कल तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इनका। हाँ भाई क्या सीन है तुम दोनों का, गाइस खुड्डे बनेंगे तो जो है ना इनके लिए भी कोई मेल लेके आऊँगा जो पॉलिश से, ये वैसे तो ये सिल्वर पॉलिश हैं लेकिन मुझे ब्लैक पॉलिश और गोल्डन पॉलिश के मेल भी प्यारे लगते हैं, तो हो सकता है मैं इनका कोई उसके साथ क्रॉस ले आऊँ। और जो ब्रह्मा और ब्लू और पिंगटन है उसके लिए कोई बड़ा ब्रह्मा का मेल या कोई और ये गोल्डन बफ का मेल मिल जाए कोई इस तरह जो है ना वो लेके आ सकते हैं हम तो। और जो देसी मुर्गियां उनके लिए देसी मुर्गियां साथ लेके आएंगे, सील के साथ सील हो जाएंगे, बैंटम के साथ बैंटम, सिल्कियों के साथ सिल्कियां कर देंगे। और जो हमारी गोल्डी अकेली है उसके साथ जो है ना वो गोल्डन और सिल्वर सब राइट ला के रखेंगे। तो ये प्लान तो बनाया हुआ है कि सारे खुडे जो हैं वो इधर इधर बनाने हैं और उसका इंशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर भी साथ ही बनवा लेंगे ताकि एक ही दफ़ा हमारे पास ज़्यादा सारे खुडे हो जाएं और हम इसके अलावा भी डिफरेंट तरह की नस्लें जो है ना वो लेके आ सकें मुर्गियों की। तो वो देखें अपने खुडे में जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, चले जाओ अंदर, वो देखो फीमेल कह रही मैं अंदर जा रही हूँ। अगर खुद ही जाना तुम स्टार्ट कर दो ना एक दफ़ा भी तो मैं तुम्हें बंद करना अब छोड़ दूँ। देखिए फीमेल अभी सोच रही है मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं। अभी लेकिन हम इसके साथ रिस्क नहीं लेंगे, अभी थोड़ी अंडों में डेवलपमेंट हो रही है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी है जितनी ठंड है ना। अच्छा ठंड से याद आया आज हवा बहुत टाइट चल रही है और ये मेरे हाथ देखें सुन हो चुके हैं लाल ठंड से होते। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं हमारे चिकन कूप की काम हो गए ख़त्म तो इनको तो करते हैं बंद, इनका ताला भी बंद कर देते हैं। चलो जी काम ख़त्म हो गया।
ये देखे जर्मन आउल को देखे। यार तुम ना यहाँ पे अंडा देना, मैं पहले ही बहुत तंग हूँ। गाइस ये देखें, ये फीमेल यहाँ पे बैठ के अंडा देने कुछ कर रही है। और मैं किधर 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 अंडे रखूंगा, ये कुछ जगह है यार, ये कुछ जगह है पसंद करने की इनके। इधर अंडे दिए जा रहे हैं, उधर खुडे इतने बने पड़े हैं, वहां कोई अंडा नहीं देता। एक काम मैं और कर सकता हूँ, कनालियां ला के ना वो भी इधर रख दूँ अंदर, जो मेरे पास वेली पड़ी हुई है ना उसके अंदर भी अंडे दे देंगे ये, और बैठ भी जाएंगे उसके अंदर शॉप से। ये हमारा होमर का बेबी चेक करें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से फुल। हाँ भाई खाना रोटी पानी ठीक चल रहा है, चले जाओ अंदर, तुम्हारा ही खुड्डा है, मैं बंद करूँ तुम्हें फिर पकड़ के। आज भाई आ जाओ, खुद ही जाओ, अंदर चलो अंदर। उसके दे दे हीर को जाके तंग नहीं करो, हीर ने मारना है तुम्हें, इधर जाओ अंदर चलो ऊपर नहीं। दौड़ गए, मैं कह रहा हूँ तुम इधर से चले जाओ ताकि जो है ना तुम्हें बंद करना मैं बंद कर दूँ, लेकिन नहीं। अच्छा इसको मैं पकड़ के देखता हूँ इसके क्या पर कटे हुए हैं जो ये इतना उड़ती नहीं है। पर तो इसके ठीक है, वैसे इसकी फ्लाइट जो है ना नहीं सही। हाँ इन अंडों पे बैठ जाओ सुकून से, अब ठीक है। चलो ये तुम तो खुद ही इज्जत से बैठी हुई हो ना इसलिए तुम्हें, और जैसे ही तारीफ की साथ ही उठ के आ गई। आजकल किंग को नहीं मैं बैठे देख रहा अंडों के ऊपर, हीर ज़्यादा बैठ रही है आजकल, जो कि अच्छी बात है, माँ को ज़रा टाइम देना चाहिए और हम अपने बेबीज देख लें ज़रा। हाँ भाई बेबीज वही मार रही है, बेबीज दोनों ठीक है माशाल्लाह से, बैठ जाओ ऊपर कोई बात। तो गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।